पर संभल की चंदोसी में कोटा से हल्द्वानी लौट रहे छात्र छात्राओं के लिए नगर के रोडवेज कर्मचारी ने खाने और चाय की व्यवस्था करके इंसानियत की मिसाल पेश की। इस समय कोरोना वायरस के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सभी काम और शिक्षण संस्थान बंद है। इस कारण राजस्थान के कोटा में कराई जाने वाली विभिन्न तरह की कोचिंग भी बंद हो गई है और देश के विभिन्न प्रदेशों के कोचिंग करने वाले बच्चे वहाँ पर लॉकडाउन में फंस गए हैं। इसी बीच यूपी सरकार ने अपने बच्चों को वहाँ से लाने के लिए बसों की व्यवस्था की। वहीं उत्तराखंड के बच्चे भी ट्विटर के माध्यम से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्हें वहाँ से निकालने की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने यूपी सरकार की मदद से उन्हें वहाँ से निकालने की मुहिम शुरू की, जिसके बाद उत्तराखंड के बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन की बसों के माध्यम से अपने प्रदेश के लिए कोटा से रवाना हुए। इसी बीच जब जनपद संभल के चंदोसी गुरु तेग बहादुर कॉलोनी में रहने वाले उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के कर्मचारी अनिल मिश्रा को जानकारी मिली कि उत्तराखंड के 30 बच्चों को लेकर मथुरा जा रही है एक बस चंदोसी से होकर गुजर रही है और वह बच्चे भूखे भी हैं, तब उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उन 30 बच्चों के लिए अपने घर पर ही खाने की व्यवस्था की तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हें चाय और खाना उपलब्ध कराया। जब इस विषय में छात्र छात्राओं से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यहां पर उनके लिए खाने और चाय की उचित व्यवस्था की गई है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। इस दौरान कोटा से पहुंचे छात्र छात्राओं का दर्द भी झलका। उनका कहना था कि कोटा शहर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे कई प्रकार की समस्या हो रही थी। वहीं इस विषय में अनिल मिश्रा ने बताया कि ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, इसलिए हमने इंसानियत के नाते इन बच्चों के लिए यहाँ पर चाय और खाने की व्यवस्था की है। मेरा नाम शुभम। आप लोग कहाँ से आए? कोटा से। कहाँ जाना है आपको? हमको जल्दी नहीं जाना। अच्छा, आप कब से कोटा में थे? हाँ, 2 साल से कोटा। क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ भी नीट की कोचिंग कर रहे हैं। अच्छा, आज आप वापस आए, वो कैसे आए और क्यों आए? हम तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की हेल्प से आए, उन्होंने हम बस भेजी हमारे लिए और वहाँ पे मतलब ऐसा हालत हो गया था कि मतलब वहाँ पे बहुत तेजी से कोरोना फैलने लगे, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। तो आप लोग जब वहाँ से यहाँ तक आए तो क्या क्या सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से मिली? हमें सब सुविधाएं दी गई है, खाने पीने की सब चीज़ें। अब इस समय आप कहाँ पर हो? इस समय तो मेरे को पता नहीं है। चंदोसी में? चंदोसी। तो यहाँ आपको क्या व्यवस्था और क्या सुविधा आपको मिल रही है? यहाँ पे हमें सब सुविधा मिली है, चाय भी मिले, खाना भी मिले। अब आप लोग यहाँ से कहाँ निकलेंगे? यहाँ से सीधे हम लोग हल्द्वानी। मोहम्मद ईशान। आप लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? कोटा से आए हैं सर और उत्तराखंड जा रहे हैं काशी। अच्छा, कब से आप लोग कोटा में थे? 2 साल से। क्या कर रहे थे वहाँ? कोचिंग। तो अब आप लोग इस समय कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सारी सीमाएं सील हैं, तो आप लोग कैसे वापस जा रहे हैं अपने उत्तराखंड? सर वो ट्विटर पे सर हमने ट्वीट करा था, हेल्प मांगी थी सर, उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उनकी हेल्प करी जाए और घर कुछ आ जाए सुरक्षित। तो सर ने देखा। किसने देखा आपकी ट्वीट को? ओम बिरला ने सर और वहाँ CM उत्तराखंड के जो उन्होंने देखा और फिर सर उन्होंने बसें भेजी वहाँ से और सब बच्चे आराम से जा रहे हैं। अभी आप लोग एक बस में कितने लोग आए हो? हाँ जी, इस समय आप कहाँ रुके हुए हो? किस शहर में? चंदोसी में। चंदोसी में। तो यहाँ आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? अच्छे सर, खाने पीने की व्यवस्था करी जा रही है और सर अब आप लोग यहाँ से कहाँ निकलोगे? सर काचीपुर से। काचीपुर जाएंगे आप? मैं अनिल कुमार मिश्रा, अनिल कुमार मिश्रा तेग बहादुर काल। बस आई थी, बच्चे आए, आपने उन लोगों को भोजन की व्यवस्था की है, उन लोगों को आपने यहाँ पर चंदोसी खाना की व्यवस्था कर रहे हो, क्या कहना है? इसमें ये है कि जो मैं चूंकि मैं रोडवेज में हूँ, मुरादाबाद डिपो में हूँ, फरुखाबाद की गाड़ी जो इन बच्चों को लेके आई है उसमें जो है मेरे अपने ही भाई छोटे हैं समझो, तो उन्होंने मुझे सारी स्थिति से अवगत कराया और उन्होंने मुझसे बोला कि भाई साहब हम इधर से निकल रहे हैं, जब निकल रहे हैं तो मैंने उनका खाने की, होटल तो रास्ते में खुले नहीं है, मैंने कि खाने की क्या व्यवस्था बच्चों की क्या है, तो जब कोई व्यवस्था रास्ते में होटल वगैरह को खुली हुई नहीं थे तो मैंने सारी केवल एक व्यवहारिकता या इंसानियत या बच्चों को मेरा फर्ज, इस नाते मैंने बच्चों की भोजन की व्यवस्था, चाय और भोजन की व्यवस्था करके यहाँ से गंतव्य पे चले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसी वजह से आप देख रहे होंगे दूर दूर बच्चे खड़े हुए हैं, एक एक मीटर से कम का किसी का फासला नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और बच्चे भी हमने, हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे आए हैं? ये 30 बच्चे हैं और 3 लोग स्टाफ हैं।